सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा होने वाली समस्या है खांसी। लोगों को आमतौर पर जल्दी जल्दी सर्दी लगती रहती है और उसके लक्षणों में यही होता है कि सबसे पहले ठंड लगती है। ठंड लगने पर कुछ लोगों को छींकें आने लगती हैं, कुछ लोगों को छींक आने के साथ साथ फीवर होने लगता है और इन सब को बाद में कन्वर्ट हो जाता है खांसी के रूप में, खांसी आने लगती है। कुछ लोगों को खांसी सूखी होती है और कुछ को बलगम वाली खांसी होती है। तो यहाँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ साधारण उपचार बता रहे हैं जो खांसी के लिए होंगे। अब से कुछ दिनों पहले हमने कॉमन कोल्ड के लिए एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने रंगों के द्वारा कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट बताया था। आज हम कफ के लिए जो ट्रीटमेंट पॉइंट बताएंगे वो प्रेशर पॉइंट बताएंगे, जिसमें आपको कलर या किसी मैग्नेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इसके ऊपर, उसमें हम मैग्नेट्स द्वारा कफ और कोल्ड का ट्रीटमेंट बताएंगे। आज के वीडियो में कफ के लिए कई प्रेशर पॉइंट हम बताने वाले हैं, सबको आप ध्यानपूर्वक सुने जिससे आप उनका सही से उपयोग में ला सकें। आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो में बने रहें। और सबसे पहले हम बात करेंगे खांसी के कारणों की। तो जैसे मैंने अभी कहा है कि ठंड लगने के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपको खांसी हो सकती है। इसके अलावा कोई एलर्जी किसी तरह की होने पर, जिसे एलर्जिक कफ कहा जाता है, एक होती है हूपिंग कफ जिसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, और इसके अलावा टीबी या दमा रोग होने पर, अस्थमा होने पर भी खांसी आने लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उपचार बिंदु हम बता रहे हैं आपको वह हमारी कलाई में आता है। जो हमारा मेटाकार्पल बोन है, इसका जो सेंटर है यहाँ पर, यह बिंदु आएगा LI4, और LI4 पर हम इस तरह से दबाव देंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से भी दबाव दे सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर दूसरी तरह से प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज, इस तरह से दबाव दे सकते हैं। इस पर दबाव देने से खांसी में तुरंत आराम मिलता है। यहाँ आप दबा कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हल्का सा पेन आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह यहाँ गले के गड्ढे में ये आएगा, और कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है CV22। इस पर इसी तरह से हल्का प्रेशर देंगे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस पर प्रेशर देने से तुरंत गला खुलने लगता है, खांसी में आराम आने लगता है, और गले में रुका हुआ म्यूकस वो या तो खांसी में बाहर आ जाएगा या अंदर चला जाएगा। इस तरह से गले में आराम आ जाएगा, गले में इरिटेशन हो रही होगी, स्वेलिंग हो रही होगी, उसमें भी आराम आएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान यह रखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर ही देंगे, प्रेस एंड रिलीज वो नहीं इस पर किया जाएगा, दूसरे बिंदुओं पर किया जाएगा। इसके बाद तीसरा बिंदु जो आपका आएगा वह आपके यहाँ दोनों हाथों से आप अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पॉइंट आएगा आपका का UB12, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का 12वां बिंदु। UB12 पर प्रेशर देने से भी खांसी में आराम आता है। इसे आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से भी प्रेशर ले सकते हैं। इसके बाद जो बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं वह हमारी एल्बो जॉइंट के पास आएगा। जो हमारी एल्बो जॉइंट है, यहाँ पर जो हमारी लंग्स मेरिडियन है यहाँ से शुरू होती है और इस तरह से यह ऐसे यहाँ अंगूठे तक जाती है, और जो हमारा एल्बो जॉइंट है इसकी जो क्रीज है इससे टच करता हुआ यहाँ पर बिंदु आएगा,
LU5। LU5 खांसी के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत परिणामदायी बिंदु है। इस पर भी आप प्रेशर देंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। यहाँ पर आपको यदि खांसी है या आपको म्यूकस ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ दबाने पर आप देखेंगे दूसरे बिंदुओं की अपेक्षा आपको यहाँ ज़्यादा दर्द मिलेगा। तो यह भी इसकी पहचान है, इससे बिंदु का भी पता चलेगा और खांसी आपको कितनी है, म्यूकस कितना है, उसकी पहचान भी होगी और उसका उपचार भी होगा। इस तरह से LU5 की यह विशेषता है कि इस पर प्रेशर देने से म्यूकस जल्दी जल्दी बाहर आने लगता है। ड्राई कप में यह बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो यहाँ आएगा, हमारी कॉलर बोन के नीचे है इसकी लोकेशन, और इस पर भी इसी तरह से हम प्रेशर देंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और यह बिंदु ऐसी खांसी के लिए ज़्यादा उपयोग में आता है जो अस्थमा के कारण हो रही हो और जिनको विशेष रूप से सांस अंदर लेने में, इनहालिंग करने में समस्या आ रही है, खांसी आ रही है, साथ में सांस अंदर लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे लोगों के लिए किडनी मेरिडियन का लास्ट पॉइंट K27 यह बहुत अच्छा बिंदु है। और यहाँ पर जो बिंदु हमने आपको बताए हैं, इन सब पर हमने प्रेशर देने के लिए ही बताया है। तो ये सब खांसी के उपचार बिंदु हैं। और इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक आपको खांसी है तब तक आप ठंडा पानी न पिएं, गुनगुना पानी पिएं, दही से बने हुए व्यंजन बिल्कुल ना लें, कुछ दिनों के लिए उन्हें रोक दें जब तक आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, उसके बाद ही आप दही से बने व्यंजन लेना शुरू करें और गुनगुना पानी तब तक पीते रहें जब तक आपको खांसी बनी हुई है। यह वीडियो हमें लगता है ज़रूर आपके लिए लाभकारी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे खांसी के और ज़्यादा उपचार बिंदु और उनके साथ में मैग्नेट किस तरह से यूज करना है, कहाँ टोन करना है, कहाँ सीडेट करना है। तो जल्दी ही आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।